प्योर वेज देसी तड़का फैमिली रेस्टोरेंट, पारिवारिक और मनोरंजन के साथ। हमारा पता है यूटीडी के नीचे सरोंजा रोड, पथरिया जाट, सागर। सागर जिले की नगर परिषद बंडा में निर्माण कार्यों का भुगतान न होने से नाराज ठेकेदारों ने जेसीबी मशीन रखकर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। ठेकेदारों का आरोप है कि कई महीने बीत गए हैं लेकिन नगर परिषद द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है। कई बार निर्माण कार्यों की जांच भी कराई जा चुकी है। ठेकेदारों का 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का भुगतान पेंडिंग पड़ा हुआ है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भुगतान के एवज में कमीशन की मांग की जा रही है और कमीशन न देने की स्थिति में भुगतान को रोका गया है। विरोध प्रदर्शन के बाद सीएमओ को ज्ञापन सौंपा गया और चेतावनी दी गई है कि यदि भुगतान नहीं किया गया तो कल उग्र आंदोलन किया जाएगा। सागर टीवी न्यूज के बंडा संवाददाता सूर्य कुमार दुबे ने प्रदर्शन कर रहे लोगों से खास बात की, देखिए उन्होंने क्या कहा। बंडा में ठेकेदारों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इनका कहना है कि समय जो जितने भी काम किए गए ठेकेदारों द्वारा उनका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। कई बार जाँच रिपोर्टें भी दी गई है फिर भी उनका भुगतान है अभी तक पूरा नहीं हुआ है। हम उनसे बात करते हैं किस तरह की परेशानी आ रही है। भुगतान लगभग साल भर हो गया, मतलब फरवरी मार्च में किए गए कामों के भुगतान अभी तक हमारे और हमारे ठेकेदार के साथ साथीगण हैं 7-8 लोगों की पेमेंट, किसी का भी पेमेंट नहीं हो रहा। कोई प्रक्रिया, किसी प्रक्रिया के नियम और समय का कोई ध्यान ही नहीं रखा जाता। अपने हिसाब से सब चल रहा है, दुनिया भर का ब्लैकमेल करते हैं, दुनिया भर की इधर उधर की कहानियाँ बनाते हैं। परीक्षण के बाद भी महीनों से रखे हुए हैं, लिखते नहीं हैं। ये सब चल रहा है, इसी के विरोध में हम सब ये मशीनरी वगैरह लेके आए हैं कि साहब हमारे पास अब पैसा है नहीं, करोड़ों रुपए। किस तरह की आपके द्वारा आज मांग की जाए? हमारा विधिवत जो भी टेंडर के रूल हैं, नियम कायदे हैं, शासन ने जो नियम निर्धारित किए हैं उसके अनुसार हमारा पेमेंट का निराकरण किया जाए। इसके लिए हम यहाँ लेके आए हैं, सारी मशीन वशीन सब रख दिया है कि आप कमीशन से पूर्ति कर लीजिए और हमारे 24 घंटे में पेमेंट। किस तरह का कमीशन मांगा जाए? 10%, 12% दुनिया भर का टेस्ट वेस्ट करके छिपा के रख लेंगे, उसमें मेजरमेंट बुक में पता नहीं क्या लिख के रख लेंगे, दिखाते नहीं, कॉपी नहीं देते, जबकि वो ठेकेदार का ज्वाइंट डॉक्यूमेंट है, उस ठेकेदार की कोई कॉपी उपलब्ध ही नहीं कराते। फिर कहते हैं कि आप बाबू बाबुओं से फ़ोन करवाते हैं कि मिल लो, ये कर लो, वो कर लो, चलता रहता है सब, ऐसे महीनों से चलता है। नगर परिषद के अलावा और बड़े अधिकारियों के आप उनसे भी संपर्क किया, किस तरह? सबको, पूरे शासन प्रशासन यहाँ से लेकर भोपाल तक और बंडा पुलिस प्रशासन से लेकर न्यायालय तक सब जगह लिखा पड़ी है, कहीं से अभी तक कोई कार्रवाई ऐसी बिल्कुल हुई नहीं है। वहाँ से 2 बार जांच टीमें बनाई गई, 7 दिन में प्रतिवेदन मांगा गया, हम लोगों को लेटर भेजे गए, 4 महीने हुआ 3 महीने हुआ वो टीमें बने आज तक कोई आए। सभी ठेकेदारों का यदि भुगतान जोड़ा जाए तो कितना लंबा होता है? लगभग 1.25 करोड़ रुपये का भुगतान। क्या कहा जाता है? भुगतान क्या आज कर रहे, कल कर रहे, बस यही है। कितना समय? 8 महीने, 7-8 महीने हो गए। तो आज किस तरह की मांग करिए, किस तरह का हमने आज से प्रदर्शन चालू किया, आज हम ज्ञापन दे रहे हैं, कल तक हमारा भुगतान नहीं होता तो कल से प्रदर्शन उग्र होगा। हम कुछ भी करने के लिए बेबस हो जाए, हम आप हमारे परिवार की जान के ऊपर, इतने सारे त्यौहार निकल गए, हमने कोई त्यौहार ही नहीं मनाया, अब सामने दिवाली है, अगर हमारी दिवाली नहीं बनती तो इनका दिवाला निकलेगा, कुछ ना कुछ तो हम करेंगे। ये पीडी राठौड़ थे, इनका कहना है कि जब तक इनका पूरा भुगतान नहीं होता इसी तरह विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। सूर्य कुमार दुबे, सागर टीवी न्यूज़, बंडा। वहीं इस मामले में बंडा नगर परिषद सीएमओ संतोष सैनी ने जानकारी दी। समय पर ये कारण इसमें ये है कि एक जो प्रदूषण रचना का मैटर है उसकी जांच एक कमेटी गठित की है, उसकी जांच उपरांत भुगतान की कार्रवाई की जा रही है। वो सर आरोप लगा रहे हैं कमीशन मांगा गया है 12% कमीशन। मैं तो इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है उपलब्ध, मैं 23 तारीख में ज्वाइन हुआ, तो मेरे सामने ऐसा कोई कमीशन का इशू नहीं, किसने मांगा कब ये बात इम्पॉसिबल नहीं है। पेमेंट ही नहीं हो रहा तो किस बात में कमीशन, कौन मांग रही है कमीशन? भाई उनने काम किया, पेमेंट करना अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन जो शासन द्वारा नियत मानिक है कि उसका निरीक्षण होगा, जांच दल आके उसका निरीक्षण करेगा, उसका निरीक्षण होने के बाद उसका टेस्ट होगा और इसके बाद जो टेस्ट रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर उसका वैल्यूएशन होना है, इसके बाद पेमेंट होना है, और बाकी जो ठेकेदार हैं उनके पेमेंट को भी अपन दिखवा लेते हैं, तो जिनके काम हो चुके हैं अपन उनको जो है
यथासंभव उनका भुगतान करने की कार्रवाई करेंगे। प्योर वेज देसी तड़का फैमिली रेस्टोरेंट, पारिवारिक और मनोरंजन के साथ शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट, जहां आपके लिए है प्राकृतिक माहौल में बाइटी एवं फैमिली रेस्टोरेंट। जो यहां आए एक बार वो यहां आए बार बार। किटी पार्टीज, बर्थडे पार्टीज, शादी की सालगिरह या अन्य कोई पार्टी, लंच एवं डिनर की उत्तम व्यवस्था, चाइनीज एवं इंडियन व्यंजनों की स्वादिष्ट श्रृंखला, तो एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। हमारा पता है UTD के नीचे, सुरंजा रोड, पथरिया जाट, सागर।